नमो राघवाय। मैं आचार्य पंडित धनंजय कुमार पांडे नक्षत्र ज्योतिष केंद्र भटनी से आप सबके बीच नए वर्ष संवत 2080 में किन किन राशियों पे शनि की ढैया व शनि का प्रभाव कहाँ और कब तक रहेगा इस पर विशेष प्रकाश डाल रहा हूँ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी कहते हैं संवत 2080 में इस बार वर्ष पर्यंत शनि का प्रभाव कुंभ राशि पर विशेष रूप से रहेगा। कुंभ राशि वालों को इस वर्ष विशेष हनुमान जी का पूजा अर्चना व मंगलवार का व्रत कर श्रेयकर होगा। अतः मकर कुंभ तथा मीनवास राशि वालों पे भी शनि के ढैया का विशेष प्रभाव रहेगा। यदि ये तीनों राशि वाले लोग शनि के प्रभाव से बचना चाहते हैं प्रत्येक शनिवार को सरसों का तेल अपने सर से ऐंच करके मदार के जड़ में नित्य गिराते रहें। ऐसा नहीं करते हैं तो उदर का रोग, शत्रुओं का भय व आर्थिक पीड़ा विशेष रूप से आपको सताएगी। शनि के साढ़े साती का प्रभाव संवत 2080 यानी 2024 के मार्च पूरा व आधा अप्रैल तक इसका प्रभाव आप पे रहेगा। तो इसमें भगवान शिव का कुश से अभिषेक, अंधे व्यक्ति को दान व साथ में ही लाजावर्त रत्न धारण करने से आपको इससे शांति मिल सकती है। कर्क और वृश्चिक राशि वालों पे शनि के ढैया का विशेष प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों पे शनि का प्रभाव सर पे रहेगा। कुंभ राशि वालों को हृदय पे रहेगा व मकर राशि वालों के पैर पर शनि की दृष्टि रहेगी। शनि के साढ़े साती का प्रभाव कुंभ राशि वालों को हृदय विकार पैदा करेगा, हार्ट की दिक्कत आ सकती है। मीन राशि वालों को मानसिक विकार, आंख की दिक्कत, शत्रु भय व अपने अपने कार्यों में अड़चन, सभी मांगलिक कार्यों में अड़चन उत्पन्न होगा। मीन राशि वालों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी जिससे मानसिक प्रमाद उत्पन्न होगा। आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल से शनिदेव का अभिषेक करें व सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। साथ में नीलम, नीली या लाजावर्त रत्न धारण कर इससे आप बच सकते हैं, इसका प्रभाव समाप्त नहीं कर सकते हैं। जिन जिन राशियों पे शनि की सड़े साती है उन्हें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड व कुश से शिव अभिषेक करने से इससे आपको शांति मिल सकती है। कुंभ, मीन व मकर राशि वाले लोग इस वर्ष विशेष प्रभावित रहेंगे। आप सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु या लाजावर्त रत्न धारण कर आप इस शनि के प्रकोप से निजात पा सकते हैं। लघुतम उपाय, लाजावर्त दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में शनिवार को धारण करें और साथ ही में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ, चमेली के तेल का दीपक जला के करें। आपको उत्पन्न होने वाली विकारों से शांति मिलेगी। नमो राघवाय। नमस्कार।